हवाला। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी है वोटिंग। बीजेपी कांग्रेस और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच टक्कर। 291 मतदान केंद्रों पर पुलिस और केंद्रीय बलों की 22 कंपनियां तैनात। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज। पटवारी के 5000 से ज्यादा नए पदों को मिल सकती है मंजूरी। 12 मांगों पर टोल टैक्स से दी जा सकती है छूट। 4000 रुपए बढ़ सकता है आईटीआई के गेस्ट प्रोफेसर्स का मानदेय। आज सूरजपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कर्मा जयंती समारोह में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे सीएम बघेल के सूरजपुर पहुंचने का है प्रस्तावित कार्यक्रम। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई वर्चुअल मीटिंग। अमेरिका की यूक्रेन के लिए उठाए गए कदमों पर की भारत की तारीफ। पीएम मोदी बोले बातचीत से निकले समाधान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और मेरी सहयोगी प्रिया सिन्हा। तो खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 291 मतदान केंद्रों पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 22 कंपनियां तैनात की गई हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो किसका होगा खैरागढ़ ये तो सवाल है जो कि हर किसी के जहन में है। आज लोग पहुंच रहे हैं सुबह 7 बजे से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग अपनी कहीं ना कहीं सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कई ऐसे सेंटर्स भी ऐसे बनाए गए हैं जो कि नक्सल प्रभावित इलाका भी माना जाता है। ऐसे में केंद्रीय बलों की भी वहां पर तैनाती की गई है। मुकाबला अगर देखा जाए त्रिकोणीय इसलिए भी नजर आता है क्योंकि जोगी कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट नरेंद्र सोनी को बनाया है। नरेंद्र सोनी जो कि देवव्रत सिंह जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई उनके बहनोई माने जाते हैं और वो यहां पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से कोमल जंघेल तो कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार यशोदा वर्मा पर भरोसा जाहिर करते हुए उनको चुनावी मैदान में उतारा। तो बता दें कि खैरागढ़ में कुल 211,516 मतदाता हैं जो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं और इसके लिए सुबह 7 बजे से ही आप देख सकते हैं कि कतार लगने लगी है। तमाम ऐसे केंद्र हैं जहां पर लोग पहुंचने लगे हैं और खास तौर पर महिलाएं जितनी भी हैं मतदाता वो भी पहुंचनी दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे उम्मीदवार 10 हैं कुल जिनके आज किस्मत का फैसला होने जा रहा है और ये मतदाता ये फैसला लेने जा रहे हैं। ठीक 7 बजे से ये मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे लोग और वोटों की गिनती 16 अप्रैल को होनी है। तो नतीजे 16 अप्रैल को साफ हो जाएंगे कि जनता ने कौन से प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगाई है। सुबह से हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, लोग अहले सुबह से ही लोग पहुंच रहे कतारबद्ध होकर। जैसा कि शिवांगी ने कहा महिलाओं में गजब का उत्साह है और अगर हम देखें खरगोन के इस सीट को तो यहां पर पूरी तरीके से जो महिलाएं हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं। आंकड़ा क्या कुछ है, कुल जितने वोटर्स हैं उनकी संख्या क्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। 106,266 यहाँ पर पुरुष मतदाता होते हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। महिलाओं की तादाद की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा है, 105,250 महिला मतदाता। यानी कि ये महिलाएं ये जो आधी आबादी है वो बेहद ही निर्णायक है खैरागढ़ में। बिल्कुल प्रिया, निर्णायक तो है ही और इसके लिए ये निर्णय के लिए ये मोहर लगाने के लिए सभी महिला मतदाता भी दिखाई दे रही है केंद्रों पर, बेझिझक होके अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रही हैं। आपको बता दें कि ऐसे 1011 दिव्यांग मतदाता भी हैं और 89 सर्विस वोटर, कुल 291 मतदाता केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं 283 मतदान केंद्र और 8 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो तमाम ऐसे मतदान केंद्र हैं जिन्हें संवेदनशील अति संवेदनशील भी बताया गया है प्रिया, क्योंकि नक्सल प्रभावित भी है कुछ इलाके। तो 3 वीडियो सर्वेलेंस टीम भी जारी की गई है, एक स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है जिसकी निगरानी के लिए सुरक्षा बल की एक कंपनी मौजूद की है वहां पर तैनात की गई है।
तो ये स्ट्रांग रूम में एक कंपनी पिया, क्योंकि केंद्रीय 22 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें तैनात किया गया है और इन्हीं की निगरानी के लिए एक स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है जिसके माध्यम से सभी केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। स्ट्रांग रूम दरअसल एक प्रक्रिया होती है और अमूमन जहां पर मॉनिटरिंग की जाती है वहां पर उस क्षेत्र में बनाया जाता है। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर यह सवाल है कि आखिरकार बाई इलेक्शन क्यों हो रहे हैं। देवव्रत सिंह जो कि यहां पर विधायक थे, जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उनके निधन के बाद सीट खाली हुई और पिछले बार की अगर हम बात करें तो 870 वोटों के अंदर से वो जीते थे। सेकंड नंबर पर कौन थे? कोमल जंगेल, जो कि अब बीजेपी के साइड से चुनावी मैदान में है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, इसके अलावा चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर मौजूद हैं। लेकिन एक खास रिपोर्ट सबसे पहले मतदान को लेकर हमारे सहयोगी की। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में मतदान जारी है। अभी जहां मैं मौजूद हूं ये देवारी भाट गांव है, बूथ क्रमांक 267 और अभी थोड़ी देर पहले ही मतदान शुरू हुआ है और अभी से ही लंबी कतारें जो हैं वो लगनी शुरू हो गई है मतदाताओं की। और ऐसे में इस बेहद गंभीर और इस बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा उपचुनाव को लेकर और मुद्दों को लेकर क्या कुछ लोग सोचते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मतदान पहले भी कर चुके हैं, पहली बार जी सर कर चुके हैं, क्या इस बार मुद्दा आपको दिख रहा है, किस मुद्दे को लेकर आप बूथ तक? ये दिख रहा है कि सरकार जी ने एक घोषणा किया है कि इधर खैरागढ़ जिला, खैरागढ़ को जिला बनाने का, तो मेरे ख्याल से जिला बनाने की वादा किया है तो ये फैक्टर काम कर सकते हैं। 70% तो बिल्कुल उम्मीद है, ऐसा चांस है। आपको क्या लगता है? अब 100% लग रहा है मेरे को। तो क्या है, राजनांदगांव जाते हैं अब छोटे छोटे चीज के लिए, अब खैरागढ़ जाएंगे, वहां से जो कम्प्लीट हो जा रहा है काम जो है खैरागढ़ जिला बनेगा। तो और इस प्रकार देखा जाए तो अब वही पैसा का जो डीजल पेट्रोल का रेट ऐसे भी बढ़ गया है, तो डीजल पेट्रोल बढ़ गया है तो राजनांदगांव जाते हैं तो वहाँ क्या अब 5 रुपये भी बच रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब गुटखा लवर वाले के देखे 5 रुपये में बहुत कुछ आ जाता है, तो इसी प्रकार देखे पैसा बच रहा है। आपको भी लग रहा है क्या कि कांग्रेस का मास्टर स्टॉक हो सकता है? हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि जिला बनाने का जो किए हैं अपन वादा वो पूरा हो सकते हैं हमारे ख्याल से। अच्छा, ऐसा लगता है जी। जी और कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे लोकल में? सब कुछ ठीक ठाक है जी? जी सब ठीक है, सब ठीक है। कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? हमें तो कांग्रेस सरकार ने वादा किया है कि जिला बनाने के लिए भरोसा है, भरोसा है हमको, ऐसी उम्मीदवार चाहिए हमको। क्या काका सब ठीक है? जिला बनाना है अपने को, जिला बनाना है। हाँ अच्छा, कैसा कैसा विधायक चाहिए आपको? है? कैसा विधायक चाहिए? विधायक तो अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए क्षेत्र में जो काम करने लायक हो। अच्छा, यहाँ कई सारे जो मतदाता है, युवा मतदाता विशेष तौर पर, जिला बनाने की बात की घोषणा जो है, जो वादा, उसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? है ना, है जिला बनने तो अच्छा है, बहुत खुशी बात है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे इस बार हावी है? सब अच्छा है, जिला बनाना है ना। अच्छा, तो ये देवारी भाट गांव है और यहां से कांग्रेस की प्रत्याशी भी आती है। जिला बनाने का मसला जो है, मतलब जो वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है उसको लेकर बहुत सारे यूथ जो हैं वो यकीन जताते हुए दिख रहे हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। हालांकि उठ किस करवट बैठता है, किसकी जीत होती है, ये तो जब 16 अप्रैल को मतगणना होगी तब पता चल पाएगा। लेकिन जो मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा ये निकल के सामने फिलहाल दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया। सत्यप्रकाश के भी आप रिपोर्ट देख रहे थे और सत्यप्रकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद है। सत्यप्रकाश का रुख करें, लेकिन दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तो वहीं नितिन भंसाली साहब ने हमें ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूं, हम पॉलिटिकल डिबेट पे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सत्यप्रकाश, 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, कैसे वहां पर उत्साह है मतदाताओं के भीतर? देखिए, बेहद उत्साहित मतदाता नजर आ रहे हैं और सुबह का वक्त, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ेगा धूप खिलेगी, गर्मी तपिश गर्मी की होगी और वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत जो है या मतदान केंद्रों तक मतदाताओं के आने का रुझान दोपहर के वक्त में थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि तेज धूप निकल रही है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ये अपील कर रहा है तमाम खैरागढ़ के मतदाताओं से कि वो आए मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन फिलहाल बड़े उत्साह के साथ वोटिंग हो रही है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान फिलहाल संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ता हुआ
दिखाई दे रहा है। देखिए अब से थोड़ी देर पहले हमने जो रिपोर्ट दिखाई वो देवारी भाट जो गांव है जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी आती है उसी गांव से हमने रिपोर्ट दिखाई और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर वहां पे जिला बनाने की जो घोषणा है वो नजर आ रहा था। लेकिन अब मैं वहां से निकल के शहरी इलाके में खैरागढ़ के आ चुका हूं और अभी मैं कन्याशाला में जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पे मौजूद हूं। कई सारे लोग यहां पे अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं और लगातार युवाओं की संख्या हम देख रहे हैं, बुजुर्गों की संख्या देख रहे हैं और महिलाओं की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं। हालांकि अमूमन ऐसा होता है कि महिलाएं सुबह के वक्त में मतदान केंद्रों पर ज्यादा आती हैं क्योंकि उसके बाद वो अपने घर के तमाम कामकाज निपटाती हैं और उनसे हम जान लेते हैं। दाई वोट दिए दिखा जरा। हाँ कार है, मुद्दा कुछ है, सब क्षेत्र में ठीक है कि कुछ चाहिए? आप फर्स्ट टाइम वोट दिए? जी हम फर्स्ट टाइम वोट दिए। अच्छा क्या कुछ दिमाग में चल रहा होगा क्योंकि बहुत सारी उलझने रहती है फर्स्ट टाइम वोटर को? खैरागढ़ का विकास के लिए हम लोग बस यही सोच के वोट दिए और बस, और हम लोग का शिक्षा का पढ़ाई वढ़ाई जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सबको आगे बढ़ाने के लिए सोच के वोट दिए हैं। अच्छा तो ऐसा लगता है क्या कि जो फैक्टर अभी हमने देखा ग्रामीण इलाके में खासतौर पे जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी आती है कि जिला बनाने की घोषणा जो है कांग्रेस पार्टी की वो बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, यहाँ पे ऐसा लगता है या विकास के मुद्दे या दूसरे मुद्दे ज्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो विकास के मुद्दे ही दिख रहे हैं बस। अच्छा आपको ही दिख रहा है, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं। आपको क्या लग रहा है किन मुद्दे को लेकर आप आई हैं यहाँ पे, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था और क्या कुछ सोचकर आपने मतदान किया है? वही कि खैरागढ़ विकास के लिए और हमारी शिक्षा के लिए। अच्छा किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पे और क्या चाहती हैं आप लोग? कि शिक्षा अच्छे से, शिक्षा का स्तर बेहतर हो। अच्छा आपने मतदान किया है यहाँ पे? मैंने मतदान किया है, सबसे पहले सुबह आके मतदान किया है और सुबह से यहाँ मतदान की जो प्रक्रिया है चालू हो गई है। हम आप ये बताएं कि आप किन मुद्दों पे आपने वोट किया, क्या कुछ सोच कर किया? मैं ये मुद्दे पर वोट दिया हूँ कि ये जो कांग्रेस है वो केवल कहती है करती नहीं, और भारतीय जनता पार्टी कहती है करती है। आपको मतलब भरोसा जो है वादे पे अभी बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर इनको जिला बनाना होता तो ये 3.5 साल में बना देते। बिल्कुल सर, प्रकाश तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे जनता का अपना मत है उसी को लेकर उन्होंने किया। आज वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं सर प्रकाश, आसपास ये भी दिखाइए कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि कन्या विश्वविद्यालय में आप बता रहे हैं कि यहां पर ये वोटिंग की प्रक्रिया की जा रही है, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम यहां पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए सुरक्षा के लिहाज से अगर हम कहें तो बेहद माकूल इंतजाम दिख रहे हैं, क्योंकि एसएसबी के जवान और कई सारे जवान यहां पे तैनात हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं और हम अपने कैमरा पर्सन साथी राकेश से कहेंगे कि थोड़ा तस्वीरें दिखाएं। एसएसबी के जवान यहां पे मौजूद हैं और इसके साथ महिला वोटरों के लिए अलग जो बूथ है उधर महिला जवान भी यहां पे तैनात है पुलिस के, दूसरे जो जिला बल या छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान होते हैं वो भी मौजूद हैं और अच्छी खासी व्यवस्था पुलिसिंग की यहां पे दिखाई दे रही है। दोनों तीनों जो बूथ है यहां पे, चूंकि कई सारे बूथ है उन तमाम बूथों पे अच्छी खासी पुलिसिंग की व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये मतदान चल रहा है, चूंकि खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र का कई सारा इलाका ऐसा है जो नक्सल प्रभावित भी है और ऐसे में पुलिस फोर्स की तैनाती उन इलाकों में खासतौर पे जो नक्सल प्रभावित हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा सत्य प्रकाश आप कह रहे हैं कि पुलिस भी काफी सजग है और इसको देखते हुए कि नक्सल प्रभावित इलाका है वहां पर सजगता और भी ज्यादा नजर आ रही है। प्रदीप साहू साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सतीश भी हमारे साथ जुड़ गए। सतीश मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले नितिन भंसाली जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। 2018 में जब सरकार बनी और उसके बाद जो उपचुनाव हुए बाय इलेक्शन, चाहे वो मरवाही के हो, चाहे वो चित्रकूट के हो, चाहे वो दंतेवाड़ा के हो, आपके पक्ष में परिणाम आया, नतीजा आया, क्या इस बार कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है खैरा का ये गढ़ कांग्रेस पार्टी जीतेगी? देखिए शिवांगी, जीतेगी और हम निश्चिंत है कि बिल्कुल जीतेगी, इसमें कोई भी शंका नहीं है। जैसा कि आपने अभी खुद कहा कि जितने भी उपचुनाव हुए आप देख लीजिए, चाहे उपचुनाव विधानसभा के हो, चाहे नगर पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, हर चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते हैं और जीत का परचम लहराया है। इसी प्रकार खैरागढ़ में भी
हम चुनाव उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ खैरागढ़ की जो मतदाताओं की संख्या 2,11,540 है, जिसमें कि 1,05,000 महिलाएं हैं, मतलब आधा प्रतिशत हम देखें उस पूरे मतदान का, तो आधी आबादी जो है वहां पर महिलाओं की है। और कांग्रेस ने जो है आधी आबादी को पूरा हक देने का प्रयास किया है। हमारी बहन जो प्रत्याशी है यशोदा जी, वो बहुत ही एक स्वच्छ चेहरा है और वहां की जरूरतों को समझती है, ग्रास रूट लेवल की नेता है। और बिल्कुल ही युवराज देवव्रत सिंह जी को भी ये जीत की एक बहुत बड़ी एक श्रद्धांजलि होगी। और जैसा कि खैरागढ़ जिला एक उस क्षेत्र की जरूरत थी, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, ये हमेशा कहते रहे कि मैं खैरागढ़ का पुत्र हूं। तो पुत्र ने खैरागढ़ में 15 सालों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सब जानते हैं कि इस चुनाव में भी पान ठेले में पान खाते नजर आ रहे थे। बंसाली साहब, देवव्रत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनने के लिए होगी या फिर जोगी कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनने के लिए होगी, इस पे हम बात करेंगे। प्रदीप साहू भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, प्रदीप साहू भी हैं प्रिया, और हमारे साथ अनुराग सिंह देव भी लगातार मौजूद है। अनुराग जी, पांचवी बार ये टिकट दिया गया है कोमल जंघेल जी को, तो पहले भी पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से 870 ही वोट थे जिससे वो हारे थे, लेकिन इस बार भी क्या कोई नया चेहरा बीजेपी के पास नहीं है कि हमने पांचवी बार भी देखा कि बीजेपी की तरफ से कोमल जंघेल पर ही दाव लगाया गया है? देखिए, खैरागढ़ के इस बाय इलेक्शन में कोमल जंघेल एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने थे जो वास्तव में क्षेत्र के किसानों के चेहरे के रूप में एक उनका ब्रांड है और उनके बीच में काफी लोकप्रियता है क्षेत्र में, जो विशेष रूप से ओबीसी समाज के मतदाता हैं उनके बीच में लोकप्रिय रहे हैं। पहले विधायक के रूप में भी उनका कार्यकाल बहुत स्वर्णिम रहा है। और मैं आपको एक बात विशेष रूप से बता दूं कि खैरागढ़ क्षेत्र में जो भी रोड डेवलपमेंट या सिंचाई परियोजना या यहाँ पर जो एग्रीकल्चर कॉलेज या अन्य जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, जो विकास का काम हुआ था, ये जब कोमल जंघेल जी संसदीय सचिव थे, विधायक थे, उस समय पर ही ये हुआ था। तो विकास के रूप में भी और उनका जो सौम्य चेहरा है वो भी एक बहुत प्रभावी एक उनके लिए एक पार्ट था, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार के रूप में फिर से एक बार खैरागढ़ की जनता के समक्ष रखा है। ठीक है, दो बार के विधायक रहे, 2007 और 2008 में बाजी मारी, हालांकि बीते चुनाव में दूसरे नंबर पर थे, 870 वोटों से हार मिली थी। प्रदीप साहू साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नितिन भंसाली कह रहे हैं कि देवव्रत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, कांग्रेस के कैंडिडेट यशोदा वर्मा जीतेंगी, ये सच्ची श्रद्धांजलि कांग्रेस दे रही है जोगी कांग्रेस के पास, क्या मुद्दे? प्रदीप साहू साहब, साहू साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, मैं लौटूंगी, शायद यहाँ पर कुछ कनेक्शंस में इशू हैं, मैं लौटूंगी आपके पास और हम चर्चा करेंगे। सतीश तंबोले भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से, हर एक तस्वीर दिखाना अपने दर्शकों को बहुत ज्यादा जरूरी है। सतीश, आप जहाँ पर मौजूद हैं वोटिंग सेंटर में, तस्वीरें दिखाइएगा, वहां पर किस तरीके से इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और मतदाताओं में क्या कुछ मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त फिलहाल जो है हम सुल्तान के करीब एक देहात में है, ग्रामीण इलाका है। हालांकि मैं बता दूं कि शहरी क्षेत्र में जब हमने रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, वहां का बूथों की जायजा लेने को पहुंचे हुए थे, तो वहां मतदाता काफी कम थे और उत्साह कम नजर आ रहा था। इसके विपरीत, हालांकि मैं जो इस वक्त बूथ पे हूँ वो संवेदनशील बूथ है, यहाँ सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, बावजूद यहाँ मतदाताओं का उत्साह देखते ही बनता है। खासकर मैं बता दूं कि पुरुष मतदाता के साथ साथ महिला मतदाताओं का भी काफी उत्साह दिख रहे हैं। लाइनें की अगर बात करूं तो महिला मतदाताओं की लाइनें काफी लंबी है, काफी उत्साह है और अपनी अपनी बारी का इंतजार वो कर रहे हैं। कुछ मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, ऐसे ही मतदाता मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भैया, आपने मतदान कर दिया? कर दी। क्या मुद्दे हैं अभी के जो चुनाव है जिसको लेकर आपने मतदान? अभी का जो चुनाव है वो किसानों का मुद्दा है। हमारे पहले सरकार का वो नवंबर में धान खरीदता था, आज के जो भूपेश सरकार आया वो दिसंबर में धान खरीदता है। हमारे धान को पहले एक महीना रोकना पड़ता है घर में, फिर डबल मजदूरी करके ले जाना पड़ता है मंडी, इसके कारण सूख जाता है, उसमें वजन कम आता है। दूसरा है खाद का रेट बहुत बढ़ गया है, जो 4 रुपया यूरिया है वो 9 रुपया मिलता था,
मिल रहा है। बारदाना पहले के सरकार बारदाना खुद स्वयं देता था, आज ये है कि बारदाना खुद को लेना पड़ता है। अच्छा, तो ये अलग अलग मुद्दे हैं और अलग अलग लोगों के अपना। ठीक है सतीश, बारदाना धान ये विषय है, ये मुद्दे हैं, इस पर हम बात करेंगे। प्रदीप साहू साहब ने हमारे साथ एक बार फिर से वो जुड़ गए हैं। प्रदीप साहू साहब, एक यही सवाल था मेरा कि अमूमन हम देखते हैं कि अगर कोई सीट खाली होती है तो एक सिंपैथी जो फैक्टर है वो भी देखने को मिलता है। देवव्रत सिंह और जिस तरीके से उनकी भूमिका रही, जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड जीरो पर काम किया, कांग्रेस पार्टी का ही कहना है कि क्योंकि वो पूर्व कांग्रेसी थे तो इसीलिए उनका जो वोट होगा, उनके पक्ष का जो वोट होगा वो कांग्रेस के फेवर में आएगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के क्या मुद्दे हैं और वो क्या उम्मीद कर रही है? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देवव्रत बाबा जो है वो ठीक है कांग्रेस में थे, लेकिन जब कांग्रेस में उनकी पूछपरख नहीं की गई, जब कांग्रेस जन ही उन्हें महत्व नहीं दिए, तो वो पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ में स्वर्गीय अजीत जोगी जी की पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद खैरागढ़ की जो जनता है उन्होंने प्रचंड बहुमतों से उन्हें विजयी बनाया। और रही बात श्रद्धांजलि की, मेरे बड़े भाई नितिन जी कह रहे थे कि जो आम जनता है वो देवव्रत बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए यशोदा वर्मा जी को चुनाव जिताएंगे, तो ये तो हास्यास्पद बात है। जब देवव्रत बाबा के परिवार के किसी व्यक्ति को आपने टिकट ही नहीं दिया तो देवव्रत बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि कहाँ से होगी? जैसे हमने, हमारे पास कई ऐसे दावेदार थे जिन्होंने ये कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी कोर कमेटी ने यह तय किया कि देवव्रत बाबा जब हमारे साथ पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी पार्टी को जब मजबूत किए तो हमने उनके परिवारजन को ही टिकट दिया, उनके बहनों ही नरेंद्र सोनी जी को टिकट दिया, उनकी बहन पत्नी तो कह रही है ना कांग्रेस का डीएनए। साहू साहब देखिए, डीएनए की बात करें तो मैं तो पूछना चाहता हूं, ज्योतिराज सिंधिया जी भी कांग्रेस के डीएनए, फिर कैसे बीजेपी में चले गए वो? देखिए, जब मान सम्मान की बात होती है, जब प्रतिष्ठा की बात होती है, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले भी यही देवव्रत बाबा जी का कांग्रेस जनों ने वहां पे खैरागढ़ में पुतला दहन किया था, उनके साथ कई सारे दुर्व्यवहार किए गए थे। तब कहा गया था कि ये हमारे कांग्रेसी हैं, इनके डीएनए में कांग्रेस जन है। अगर इनके डीएनए में कांग्रेस था तो फिर आप लोगों ने क्यों देवव्रत बाबा का पुतला दहन करवाया? आप लोगों ने क्यों उनकी आलोचना की? देखिए, ये सब कहने और करने की बात है। जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो सब देवव्रत बाबा का श्रेय लेना चालू कर दे रहे हैं। आप ठीक है प्रदीप जी, यानी कि देवव्रत बाबा का कहना है कि कांग्रेस केवल चुनावी मुद्दे के रूप में देवव्रत जी के निधन को, उनको श्रद्धांजलि देने की बात कह रही है। नितिन जी, आपने सुना अभी प्रदीप जी को, सवाल ये भी उठता है कि लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और हाल ही में हमने देखा था कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जब आए थे तो उन्होंने भी आरोप लगाया था बीजेपी की तरफ से कि यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार पीएम आवास का मुद्दा उन्होंने उठाया था कि जानबूझकर यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार पीएम आवास को लेकर देरी कर रही है, केंद्रीय योजनाओं का लाभ यहां पर नहीं मिल रहा है लोगों को। अब केंद्रीय योजनाओं का जो अंश होता है, जो राशि होती है, वो समय पे देंगे तो सारी चीजें होंगी। हमारा खुद का छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से का 30,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार रोक के बैठी है, एक ही फोकस है। छत्तीसगढ़ जितनी दुर्गति कहीं पर नहीं है किसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, तो ये यहीं पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरीके से इनको पैसा रोका जाए, किस तरीके से धान खरीदी में बारदाने की इनको किल्लत की जाए, किस तरीके से इनके पैसों पे योजनाओं पे लगातार कटौती की जाए। तो ये लगातार इनका ये प्रयास जारी है, पर उसके बावजूद भी राज्य सरकार जो है अपने संसाधनों से बिल्कुल जनसेवा में लगी है। और जैसा कि मैं तो वापस खैरागढ़ पर ही आऊंगा, देखिए जन समर्थन जो है, सुबह से जो लाइनें लगी हैं ये दिख रहा है और जिस प्रकार लोगों से भी आपके संवाददाता वहां पर बात कर रहे हैं, ये साफ है कि 16 तारीख को जब ये ईवीएम खुलेगी तब आप देखिएगा खैरागढ़ उम्मीद हो सकता है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा था, तो आपकी पार्टी तीसरे स्थान पर थी, इस बार क्या पहला स्थान मिलता है? 16 अप्रैल ज्यादा दूर नहीं है। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए, चर्चा करेंगे। सर लौट रही हूँ, एक ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन लौटूंगी और तमाम संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी कवरेज, महाकवरेज लगातार जारी है, जल्द होंगे हाजिर।
ब्राइल जब फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई और सोनी एगमार्क मसाले स्वाद सुहाना बना दे दीवाना। रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद खरगोन में कर्फ्यू जारी। स्कूल और कॉलेजेस की परीक्षाएं हुए स्थगित, सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी चालू। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना को बताया सोची समझी साजिश, आतंकी संगठनों से तार जुड़े होने की जाहिर की आशंका। रामनवमी पर खरगोन और बड़वानी में पत्थरबाजी की घटना पर सरकार सख्त, कानून व्यवस्था पर आज सीएम शिवराज सिंह की अहम बैठक। गृह विभाग के आला अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दे सकते हैं मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द। रामनवमी जुलूस में उपद्रव के बाद आईटीजी इंटेलिजेंस का सभी जिलों को आदेश जारी। आने वाले त्योहार और कानून व्यवस्था का दिया गया हवाला। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। बीजेपी कांग्रेस और जेसीसीजे के बीच टक्कर। 291 मतदान केंद्रों पर पुलिस और केंद्रीय बलों की 22 कंपनियां तैनात। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज। पटवारी के 5000 से अधिक नए पदों को मिल सकती है मंजूरी। 12 मार्गों पर टोल टैक्स से दी जा सकती है छूट। 4000 रूपये बढ़ सकता है आईटीआई के गेस्ट प्रोफेसर का मानदेय। आज सूरजपुर दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। कर्मा जयंती समारोह में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे सीएम बघेल के सूरजपुर पहुंचने का है प्रस्तावित कार्यक्रम। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई वर्चुअल बैठक। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए उठाए गए कदमों पर की भारत की तारीफ। पीएम मोदी बोले बातचीत से निकले समाधान। प्रस्तुतकर्ता 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर वन आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। प्रायोजक सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि का स्कल्प चटनी 011-2554-2554। सुयश हॉस्पिटल गुदियारी रोड रायपुर छत्तीसगढ़ और केसरी मरहम एवं तैलम वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और हम सीधी तस्वीरें आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मतदाता भी लगातार पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला 16 अप्रैल को हो जाएगा, लेकिन मतदान उसके लिए आज ही हो जाएंगे। जनता किस पे मुहर लगाती है 16 अप्रैल को नतीजों में पता चल जाएगा। तो जेसीसीजे नरेंद्र सोनी को प्रत्याशी के रूप में इस खैरागढ़ उपचुनाव में उतारा गया है। कोमल जंघेल बीजेपी की तरफ से और यशोदा वर्मा कांग्रेस की तरफ से दाव लगाए हुए बैठी हैं। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखिए गजब का उत्साह है और यही तस्वीरें लोकतंत्र को सशक्त करती हैं, जहां पर ये उम्रदराज महिलाएं, ये दिव्यांग जो कि पहुंच रहे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। चप्पे चप्पे पर जी मीडिया संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं जो कि आपको जानकारी दे रहे हैं। सत्य प्रकाश का एक बार रुख कर लेते हैं, क्योंकि सत्य प्रकाश आप बता रहे थे कि किस तरीके से युवाओं में जोश है, वो फर्स्ट टाइम वोटर्स और उनके जहन में विकास का मुद्दा, लेकिन चुनावी दौर में खैरागढ़ को जिला बनाने का मुद्दा भी बहुत प्रमुख तौर पर सामने आया। विपक्ष ने निशाना साधा, उससे पहले मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जीतेंगे तो खैरागढ़ एक नया जिला के रूप में सामने आएगा। क्या आम जनता इस मुद्दे को लेकर थोड़ी सी सॉफ्ट नजर आ रही है? देखिए लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि जब लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा पर्व होता है तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय निकल के आती है और ये होना भी चाहिए।
मताधिकार ऐसे भी बेहद गोपनीय अधिकार है और ऐसे में वो जिस भी पार्टी के वो जिस भी प्रत्याशी को वोट देना चाहे उसके लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उनकी राय जब हम जानते हैं तो निश्चित तौर पे कई सारे ऐसे बातें सामने निकल के आती है जिससे ये कुछ न कुछ पता चल पाता है कि आखिरकार किस तरह जो है वो ऊंट और किस तरफ जो है ऊंट करवट बैठेगा। लेकिन जिस तरह की स्थितियां सामने फिलहाल दिखाई दे रही है खैरागढ़ की, अगर हम कहें तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्थितियां नजर आ रही हैं। ये जरूर है कहीं पे कांग्रेस पार्टी की ओर से जो वादा किया गया और बड़ा वादा है जिसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिला बनाने की जो घोषणा है चुनाव जीतने के 24 घंटे बाद, उसके पक्ष में लोग नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में स्थितियां ऐसी है कि कुछ मुद्दों पे जैसे खेती किसानी के मुद्दों पे लोग जो हैं कुछ अलग राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सत्य प्रकाश, भी हमने कई ऐसे देखी मुद्दे हैं जिसमें राय अलग अलग है, लेकिन जिला बनाने का जो मुद्दा है वो सबसे अहम भूमिका यहाँ पर जहाँ आप मौजूद है देवरीभाटा में, वहां पर तो फिलहाल यही नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह है कि कितना कारगर रहता है कांग्रेस के लिए। हमारे साथ गोकर्ण यादव भी जुड़ गए हैं संवाददाता। गोकर्ण, लोधी समाज से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपना प्रत्याशी उतारा है, तो क्या ये जातिगत समीकरण के हिसाब से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं क्या वो कार्ड यहां पर काम करता नजर आ रहा है? देखिए, ये जातिगत समीकरण जो है अभी तक तो गंडई में मैं खड़ा हूं और गंडई में इस प्रकार का किसी प्रकार की बात सामने नहीं आई है और लोग जो है जिला बनाने की बात कह रहे हैं। और अभी हम पहुंचे हैं कोपा भाटा के मतदान केंद्र में और यहाँ लोग मतदान कर रहे हैं। एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि ये आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। प्राथमिक उपचार केंद्र भी है, पूछताछ केंद्र भी बनाया गया है और ये आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ से मतदान करने के लिए लोग जाते हैं और लोग खुलकर सुबह 7 बजे से ही इस मतदान केंद्र में लंबी कतारें लगी हुई है और अभी भी ये लोगों का लाइन लगा हुआ है और इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेके मतदान कर रहे हैं। मैम, आप मतदान कर लिए क्या? करने को है किन मुद्दों को लेकर मतदान करनी है? मतलब गोकर्ण, यानी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मतदान करने के लिए लाइन में भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए आप लोग हमारे साथ, हमारे गेस्ट का रुख कर लेते हैं। लगातार हमारे साथ प्रदीप साहू जुड़े हुए हैं जेसीसीजे से, वहीं नितिन बंसाली जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से और अनुराग सिंह देव जी भाजपा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जी, अपना सवाल पूछे। बिल्कुल, तो अनुराग सिंह देव जी, सवाल आप ही से है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो जिला बनाने की मांग है, अपने संवाददाता से भी हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से रुख जो है जिला बनाने की मांग को की तरफ ही दिख रहा है, तो क्या ये कड़ी है, कार्ड है जो कांग्रेस ने खेला है उनके पक्ष में काम करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, बात है भरोसे और विश्वास की और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में उसका जो असली चेहरा है वो उजागर हो गया है और जो भरोसा और विश्वास उन्होंने 2018 के चुनाव में जनता को दिलाया था वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। और आप उसका कारण भी देखिए कि उस समय भी यदि आप देखेंगे कि 2018 के चुनाव में इतनी ह्यूज मेजोरिटी के बाद इतना बड़ा जो मैंडेट कांग्रेस को मिला, लेकिन खैरागढ़ में कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही, कांग्रेस की बुरी हालत रही यहाँ पर। तो निश्चित रूप से आप ये मान लें कि कितनी बड़ी दूरी कांग्रेस और यहाँ की जनता के बीच में है। दूसरी बात, जहां तक जिला बनाने का प्रश्न है, देखिए जिला बनाने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2015 में पहले किए थे जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे कि हम करेंगे, फिर 2018 के घोषणा पत्र में उन्होंने कहा, फिर जब नगर पालिका के इलेक्शन आए तब उन्होंने कहा, और साढ़े तीन कहा गया लेकिन किया नहीं गया और कांग्रेस भी यही बात कह रही है कि रमन सिंह की तरफ से क्या किया गया वहां पर, बनाया तो नहीं गया जिला, उसको लगातार बोला गया लेकिन जिला बनाया नहीं गया उसे। नहीं, मैं सिर्फ वही कहना चाहता हूं, जब इतने बार उन्होंने कमिटमेंट किया किसी भी रूप में किया तो जब 3.5 साल उनके पास था तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं बनाया? और आज जो प्रश्न और चर्चा है वो प्रश्न ये है कि अभी एक और जिला यहाँ पर घोषणा की गई 15 अगस्त को, मोहला मानपुर जिला,
वो जिले में आज 9 महीने हो गए ना तो वहाँ कलेक्टर की पोस्टिंग हुई है, ना एसपी की पोस्टिंग हुई है, ना वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो सारे जिलों की क्या दशा है जो 15 ठीक है। ये मुझे लगता है सिंहदेव साहब, मुझे लगता है कि भंसाली साहब इसका बेहतर जवाब देंगे, लेकिन क्योंकि हम खैरागढ़ की बात कर रहे हैं, भंसाली साहब जिला बनाने को लेकर मास्टर स्ट्रोक तो इसे जो सियासी पंडित है वो मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये सवाल भी उठाता है कि 3.5 साल में आपने क्यों नहीं किया जब आपको करना था। तो एक सवाल अमित जोगी ये पूछते हैं कि ये जो घोषणा आपने करी है ये तो अवसरवादी है। बिल्कुल नहीं, ये सारी चीजें पाइपलाइन पर थी और ये घोषणा की जानी थी। अब चूंकि चुनाव था तो चुनाव के समय ही इस बात की घोषणा की गई, नहीं होता चुनाव तो भी खैरागढ़ गंडई ये जिला बनता ये तय था, क्योंकि युवराज देवव्रत सिंह भी ये चाहते थे कि खैरागढ़ जिला बने। और लगातार जैसा कि मैंने कहा कि देवव्रत जी लगातार कांग्रेस के संपर्क में थे, और जैसा कि विधानसभा चुनाव जो हुए थे उपचुनाव मरवाही के, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके देवव्रत जी ने यह भी कहा था कि मैं कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करूंगा, जेसीसी जे के पक्ष में नहीं। तो ये उनकी भी एक वो थी, मांग थी जिला बनाने की, वहां की जनता की भी मांग। क्यों जिला बनाना कोई एक अवसरवादिता नहीं है, ये वहां की एक जरूरत है, जिस जरूरत को पार्टी ने समझा है और पार्टी ने उस विषय पर काम किया है। मैं तो फिर कहूंगा कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल वे सरकार में रहे, उन्होंने क्या किया खैरागढ़ के लिए, वो तो खैरागढ़ का पुत्र हूं, ये दम्भ भरते तो ये उन पे लागू होता है। अभी अनुराग जी कह रहे थे कि मौला मानपुर जिला बना, वो सारंगढ़ जिला घोषित किया, ये जिले घोषित किए, उस पर कुछ नहीं हुआ। तो मैं बता दूं जिला घोषित हो चुका है, इस विषय में नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं और ये सारी चीजें अंडर प्रोसेस है। मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर वहां पर कलेक्टर की पोस्टिंग भी हो जाएगी और सारा सब कुछ हो जाएगा। आपको इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 साल आप लोग सिर्फ मलाई खाई है, जनता के हितों की बात आपने न सोची है न समझी है, इसलिए आज 15 साल शासन करने वाले लोगों की स्थिति 2018 के चुनाव में 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। जनता का आशीर्वाद है, जनता का स्नेह है और जनता का प्यार है। जो ये मतदाता केंद्रों पे, जो मतदान केंद्रों पे जो भीड़ नजर आ रही है, ये कांग्रेस की जीत की और पूरा इशारा करती है। बिल्कुल भंसाली जी, ये तो 16 अप्रैल को पता चलेगा कि किस तरफ ये इशारा कर रही है, जनता का रुख किस तरफ है। प्रदीप जी, लगातार ये जो जिला बनाने की मांग है इसको लेकर कांग्रेस अपने जो घोषणा पत्र है उसमें भी 29 बिंदु में ये एक बिंदु शामिल है, लेकिन ये भी है कि देवव्रत सिंह की मूर्ति प्रतिमा स्थापित करने के बाद कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है, यानी कि जो श्रद्धांजलि जिसको लेकर हम पहले बात कर रहे थे उसके लिए तमाम कोशिशें कांग्रेस की तरफ से ही की जाती है, सहानुभूति वोट कांग्रेस की तरफ ही जाए इसकी भी पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, जेसीसीजे की तरफ से क्या कोशिशें हैं, क्या मुद्दे हैं? देखिए, आपने ठीक कहा कि आज जब चुनाव सर पर है तो देवव्रत बाबा की जो प्रतिमा लगाने की बात कह रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं, देवव्रत बाबा की प्रतिमा लगनी भी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी, जो छत्तीसगढ़ के लाडले पुत्र थे, जिनको लाखों लोग अनुयायी हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, आज 3.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, आज छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री की एक मूर्ति तो कांग्रेस ने लगा नहीं पाए। लेकिन चुनावी जब राजनीति की बात हो जाती है, जब चुनाव स्तर पर होता है तो देवव्रत बाबा की मूर्ति लगाने की बात कहते हैं। और रही बात जिले की, यही जिले की मांग देवव्रत बाबा आज से नहीं, जब वो जोगी जी के पार्टी में थे उसके पहले से भी वो जिले की मांग करते आए, बाबा भीम साहब अम्बेडकर के मूर्ति के नीचे बैठकर 6-6 महीने तक देवव्रत बाबा और साथ में उनके बहनोई नरेंद्र सोनी जी ने एक वहां पे मांग की कि जिला बनाया जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस जन की सरकार हो, उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं अगर हम उस समय जिला बना देते हैं तो पूरा श्रेय देवव्रत बाबा को चले जाएगा। इस तरीके से पैतृक खेलते हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक घोषणाएं होती। अरे प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आए हुए आवास को नहीं बना पा रहे हैं आप लोग, और जिले की बात कर रहे हैं। अरे आपने देखा मौला मानपुर से लेकर शक्ति का जिला बन चुका है, कलेक्टर की बात तो बहुत दूर है, जनता फैसले लेने में सक्षम भी है। लेकिन प्रदीप साहू साहब, मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत में जोगी कांग्रेस पर, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस काफी हमलावर रही है और ये कहती है कि दरअसल वो बीजेपी की ही बी टीम है। इससे पहले मरवाही के उपचुनाव को भी लेकर कर ले, हम लोकल इलेक्शंस की भी बात कर ले, जोगी कांग्रेस का मुकाबला किसके साथ है?
जो कि कांग्रेस का सीधा मुकाबला कांग्रेस जनों के साथ में है और हम पूरी पूरी दबंगई से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए जो खैरागढ़ की जनता है, जो देवतुल्य देवव्रत बाबा को मानते हैं, उन लोग सब लोग एकजुट होकर देवव्रत बाबा के लिए वोट करेंगे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। साहू साहब, बीजेपी से मुकाबला नहीं है। शिवांगी एक सेकेंड, ठीक है, अभी आ रही हूँ सर आपके पास। साहू साहब, बीजेपी से मुकाबला नहीं है आपका? शायद प्रदीप साहू साहब को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, उसको ठीक करवाइए। नितिन भंसाली साहब जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? हमारा सीधा मुकाबला कांग्रेस जन से है, हमारा सीधा मुकाबला कांग्रेस जन से है, हम पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से 16 तारीख को खैरागढ़ में कहीं ना कहीं इसके मायने भी दो हो जाएंगे कि क्या आप बीजेपी को रेस में नहीं मानते, अगर बीजेपी वाकई में आपकी टीम है। भंसाली साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? देखिए, एक सेकंड, प्रदीप रुक जाओ यार। शिवांगी, आपने प्रश्न किया कि आपका मुकाबला किससे है, इन्होंने क्या कहा सीधे तौर पर आपको? कांग्रेस से है। ये अभी इतने एक घंटे की डिबेट में कहीं पे भी इन्होंने बीजेपी के 15 वर्षों के शासनकाल का जिक्र ही नहीं किया, और हमने शुरू से कहा कि हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से और हमारे काम लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये अभी भी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई कांग्रेस से, जब भी कहते थे हमारी लड़ाई कांग्रेस से। तो ये जो एक शब्द मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि बी टीम कहा जाता है, तो ये तो इन बातों से ही साबित होता है कि ये बी टीम है, इनकी लड़ाई बीजेपी से है ही नहीं, इनकी लड़ाई कांग्रेस से है। और आगे स्थिति नहीं है कि बी टीम है नहीं है, क्योंकि जेसी जी से प्रदीप साहू जी का कहना है कि सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। अनुराग जी, यहाँ पर जेसीसीजे तो भाजपा को टक्कर में ही नहीं मान रही है, काउंट ही नहीं कर रही है कि हाँ बीजेपी भी लड़ाई में खड़ी हुई है। देखिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है ये, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में मुद्दे अपने अपने होते हैं और अवसर की भी तलाश होती है। तो आज जेसीसी के लिए तो जोगी कांग्रेस के लिए एक अवसर है, जिस तरीके से इन्होंने अजीत जोगी को एक दलित समाज के एक बहुत बड़े नेता का अपमान किया और उनको पार्टी से बाहर खदेड़ा, और उसके बाद देवव्रत सिंह जी का जो जिसकी पहचान वहां कांग्रेस से थी, और उसको जिस तरीके से इन्होंने अपमानित किया, जिस तरीके से अब भी उनके देहावसान के बाद भी वो बोलते रहे कि मेरा डीएनए कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस ये बात कतई मानने को तैयार नहीं थी कि उनका डीएनए कांग्रेस का है, इसलिए उनके परिवार को टिकट नहीं दिया। तो आज तो जोगी कांग्रेस के लिए एक अवसर है कि ऐसे लोगों, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी कहेगी सिंहदेव साहब कि उनके परिवार वाले तो वोट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, अपील कर रहे हैं, लेकिन आप ये जरूर बताइए सिंहदेव साहब कि आपका मुकाबला किससे? प्रदीप जी, मैं आऊंगी आपके पास। सिंहदेव साहब, आपका मुकाबला किससे? बीजेपी का मुकाबला किससे है खैरागढ़ में? हम तो अपना मुकाबला दोनों से मानते हैं, क्योंकि हम जब पिछले चुनाव में कोमल जंगेल जी 800 वोट से चुनाव हारे, वो देवव्रत सिंह जी से हारे थे 800, कांग्रेस का तो अता पता नहीं था, कहीं थर्ड नंबर पे थी कांग्रेस। तो हम तो दोनों से मानते हैं, और मैं मानता हूं कि वो दोनों 800 वोट है, वो 8000 के रूप में कन्वर्ट होगा, वो जोगी कांग्रेस से भी हमारे पक्ष में आएगा, वो कांग्रेस से भी हमारे बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आपके 800 जो है वो 8000 में कन्वर्ट होगा। प्रदीप साहू भी मेरे साथ लगातार। प्रदीप जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगी, क्योंकि अब समय लाल के हसीन सपने, खुली आंखों से सपने देखने में मोदी जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया। मुख्यमंत्री जी 3-3 किलोमीटर मेरी लाल के हसीन सपने हैं भाई साहब, खुली आंखों से मोदी जी ने सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगाया। देखिए, जीएसटी लगना है, इनकम टैक्स लगना है, 3 किलोमीटर में सवाल ले रहे हैं। वो पुरेंद्रेश्वरी जी कहाँ है भाई, क्यों नहीं आई है ये भी बताएंगे? अरे उन्होंने तो दिग्गजों को उतार दिया, फिर आप सवाल पूछते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज क्यों आए हैं। प्रदीप साहू जी, लास्ट कॉमेंट। जी, मैं कहना चाहूंगा, शायद दोनों पार्टियां भूल गई हैं कि जब 2018 में चुनाव हुआ था तो देवव्रत बाबा ने दोनों को पछाड़कर 62,500 करीब वोट पाए थे। पता नहीं कैसे ये कहते हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। खैरागढ़ आज भी देवव्रत बाबा का गढ़ है, और वहां के लोग आज भी देवव्रत बाबा को दिल से चाहते हैं, स्नेह करते हैं, और उसी के नाम पर ही वोट देंगे। और रही बात बीजेपी की बी टीम कहने के बाद, मैंने तो पहले ही कहा
कि जब भाजपा की सरकार थी तब भी और जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी देवव्रत बाबा ने जिला बनाने की मांग की। दोनों पार्टियों ने देवव्रत बाबा की मांगों को अनदेखा किया। आज सिर्फ चुनाव आ गया है तो चुनाव के समय ये जो जिले की बात है उसको सामने ला कर यहाँ करें। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई बड़े भाई नितिन भंसाली जी बैठे हैं, अगर चुनाव हार गए तो क्या जिला नहीं बनेगा? इसका भी जवाब दे दे कि जिला बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल, जनता के हितों में जो होना है वो होगा। जिला भी बनेगा, नहीं बनेगा? जिला भी बनेगा, नहीं बनेगा? हम तो कह रहे हैं जिला भी बनेगा, ठीक है? यानी कि नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि हार या जीत से फर्क नहीं पड़ता है। सुर देखिए शिवांगी, दोनों के सुर देखिए, आप जो कह रही थी ना बीटी में, दोनों के सुर देखिए। बिल्कुल लोग लग रहा, मैं दो लोग एक दल के बैठे हैं और मैं डिबेट में बैठा हूँ, मैं दोनों से लड़ रहा हूँ और दोनों एक साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे। लेकिन जीतने के बाद क्या होगा? ऐसे ही खड़ा करने के बाद क्या होगा? इसका भी जवाब देना चाहिए। ठीक है सर, जनता जवाब दे देगी और जब जनता का जवाब आएगा तभी हम चर्चा करेंगे, जिला बना या फिर नहीं बना ये भी हम देखेंगे। आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रदीप साहू साहब आपका बहुत शुक्रिया, नितिन भंसाली साहब आपका बहुत धन्यवाद और अनुराग सिंहदेव आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत धन्यवाद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल प्रिया, तो यहां पर कई ऐसे मुद्दे सामने आए लेकिन प्रदीप जी का आखिरी में कहना था कि देवव्रत जी के नाम पर वोट मिलने जा रहा है, लेकिन बात तो यह भी है कि कांग्रेस भी जोर शोर से देवव्रत जी का नाम ले रही है अपने चुनाव प्रचार प्रसार में। कई ऐसे बिंदु भी हैं जो जारी किए हैं, उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस भी जोर शोर से उठा रही है, तो देखना यह है कि जनता किसका रुख करती है। 16 को नतीजे आएंगे, आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। वापस लौटेंगे, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।